हमने कई वीडियोस में आपको बताया है कि लड़की को पटाने के लिए ये कर दो, लड़की को पटाने के लिए वो पहन लो, लड़की को पटाने के लिए पहले उसकी सहेली को पटा लो। लेकिन हमने किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि बिना कुछ करे बाहर बाहर से लड़की को कैसे पटाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बाहर बाहर से भी लड़की को पटाया जाता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि बिना कुछ करे बाहर बाहर से ही लड़की को कैसे पटाना है। तो ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर देना। तो फर्स्ट पॉइंट यानी कि फर्स्ट स्टेप में जो आपको करना है वो है मैचिंग आईज। अगर आप बिना कुछ करे बहुत कुछ करना चाहते हो, मींस बिना कुछ करे ही सब कुछ करना चाहते हो, तो आपको लड़की से आईज मैचिंग करनी पड़ेगी। आईज मैचिंग को कई लोग आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, कई लोग आंखें मिलाना कहते हैं और कई लोग नैन मटक्का भी कहते हैं। आईज मैचिंग अगर आप उस लड़की से करोगे जो आप में पहले से ही इंटरेस्टेड होगी तो इसमें आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आईज मैचिंग अगर आप उस लड़की से करोगे जिस लड़की में सिर्फ आप ही इंटरेस्टेड होगे तो वहाँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी अब आते हैं मेन बात पर कि लड़की से आईज मैचिंग कैसे करें। आईज मैचिंग करने के भी कई तरीके होते हैं। मेरे हिसाब से जो लड़की आप में पहले से इंटरेस्टेड है उससे आपको आईज मैचिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब थोड़ी तो करनी चाहिए लेकिन उस हिसाब से नहीं करनी चाहिए जैसे आप अदर लड़कियों से करते हो जिनको आप पटाना चाहते हो। क्योंकि जो लड़की आप में पहले से इंटरेस्टेड होगी उसके साथ अगर आप आईज मैचिंग करोगे तो वहाँ आपका काम बैठ जाएगा और बंदी कटने के आपसे पूरे पूरे चांस होंगे। बाकी इन लड़कियों से आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी जिस लड़की को आप पटा के लाइन पर लाना चाहते हो उस लड़की से आपको आईज मैचिंग करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए देखो, जब भी उस लड़की का उसके आसपास जानने वाला ना हो और कोई भी ऐसा बंदा उसके आसपास ना हो जिससे वो अनसिक्योर फील करे तो आपको उसकी आंखों में एकदम खुला देखने लग जाना है। शुरू में तो लड़की थोड़ा सा हिचकिचाएगी लेकिन लड़की के हिचकिचाने के बाद दो काम होंगे, या तो लड़की आपको देखना ही बंद कर देगी या फिर लड़की आपको और ज्यादा देखना चालू कर देगी। यहाँ लड़की अगर आपको देखना बंद कर देती है तो आपको उसे नहीं पटाना है। इसका मतलब बंदी आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और में ही इंटरेस्टेड है। लेकिन इसके बाद अगर बंदी आपको और ज्यादा देखती है तो फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप से पहले आपको एक मिनी स्टेप करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको लड़की से आईज मैचिंग तो करनी है, लेकिन आईज मैचिंग का अगर आपको वो पॉजिटिव रिस्पांस दे जैसे कि वो आपको बहुत ज़्यादा देखने लग जाए तो उसके बाद आपको तुरंत उसे अवॉइड कर देना है। मतलब एक दो दिन उसे अवॉइड करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है जो है जेंटल स्माइल। कई बार क्या होता है, कई लड़कियों को उड़ता तीर लेना पसंद होता है, तब भी वो पहला स्टेप करने लग जाती हैं। वो बंदे में इंटरेस्टेड नहीं होती लेकिन फिर भी वो अपना और सामने वाले बंदे का समय बर्बाद करने लग जाती हैं। तो ऐसी बंदियों से आपको थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बच के रहना है क्योंकि ऐसी बंदियां दिल पर चोट दे जाती हैं। बाकी जब आप दूसरा स्टेप करोगे, लड़की को जेंटल स्माइल करोगे, तो यहाँ आप और श्योर हो जाओगे। यहाँ भी बंदी पहले तो आपके जेंटल स्माइल को देखकर थोड़ा चौंधी आएगी, फिर थोड़ा हिचकिचाएगी, लेकिन 3-4 दिन बाद वो लाइन पर आ जाएगी। अगर बंदी लाइन पर आ जाती है तो 80% बंदी आपसे पट चुकी है। लेकिन नोट करने वाली बात है कि आपको पता कैसे चलेगा कि बंदी लाइन पर आ गई है। देखो, अगर लड़की आपकी स्माइल का रिस्पांस आपको पॉजिटिव वे में देती है, मतलब कि वो आपको देखकर हंसती नहीं है लेकिन वो आपको बार बार देखती ही रहती है, तो समझ जाओ 80% आपका काम हो गया है। लेकिन इसके बाद अगर बंदी आपको इग्नोर करती है, वैसे करेगी नहीं, इग्नोर करने के बहुत कम चांस हैं, लेकिन अगर करती है तो वो आपसे सेट नहीं है। इसका मतलब कि वो आपसे मजे ले रही थी। वो उन लड़कियों में से है जिन्हें उड़ता तीर लेना पसंद होता है, ठीक है, इनको धक्का दो। तो यहां तक आपको समझ आ गया ना। तो यहां तक अगर आपका ठीक ठाक काम हो जाए, मीन्स लड़की आपके सेकेंड स्टेप का जवाब आपको पॉजिटिव वे में दे दे, तो आपको थर्ड स्टेप करना है जो कि बहुत ही मेन स्टेप है। और थर्ड स्टेप है कनेक्टिंग प्रोसेस। इसमें आपको लड़की से कनेक्ट करना है। लड़की अगर आपकी जेंटल स्माइल का रिस्पांस पॉजिटिव वे में दे जैसा मैंने आपको बताया, तो उसके बाद आपको कनेक्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। अब लड़की से कनेक्ट आप उसकी जरूरत और अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हो। अगर आप अपनी छत से लड़की से कनेक्ट कर सकते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप कॉल का इशारा कर उसे हिंट दे सकते हो, और ये बेफिक्र होके देना क्योंकि इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप पहले ही दो स्टेप कर चुके हो, वहां आपको लड़की ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अगर यहाँ आप डरोगे तो भाई बंदी को कोई तीसरा बंदा ही उड़ा के ले जाएगा।
तो लड़की से अगर आप छत छत से इशारे में बात करते हो तो आप उसे इशारे में बात कर सकते हो, फिर उसे बाहर मिलने के लिए बुला सकते हो। बाकी अगर उसके पास सेल फोन है और आपके पास भी फोन है तो जैसा मैंने आपको बताया, आप उसे सेल फोन की हिंट देके एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आपको अपनी और लड़की की नीड समझनी है कि आप दोनों की नीड क्या है, और समझदारी से आपको कनेक्टिंग प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना है। बाकी जैसा जैसा मैंने आपको बताया है आप बिल्कुल वैसा वैसा करोगे तो बिना ज़्यादा कुछ करे बाहर बाहर से लड़की आपसे आसानी से पट जाएगी। काफ़ी लड़के इस तरीके से लड़कियां पटाते हैं और वो कहते हैं कि भाई लड़की ऐसे पटती है, लड़की वैसे पटती है, ऐसे वैसे कुछ नहीं पटती। ये छोटा सा तरीका होता है भाई इम्प्लीमेंट करने का, अगर आप सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर देते हो तो बंदी आपकी है। तो वीडियो यहीं तक है, अगर आपकी वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और अगर आप अपने दोस्तों की भी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके अपने दोस्तों की थोड़ी सी हेल्प कर देना। और इस तरह की हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लव गप शप को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलना। और जाते जाते अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप हमसे अपनी पर्सनल बात भी कर सकते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।